safe in this COVID. I hope none of you have been physically affected by this disease. Hopefully not. और अगर किसी को हुआ है तो अल्लाह ताला आपको जल्द से एहतियात करे. We basically are missing you guys. और आप लोग बहुत जल्द आ जाएं ताकि क्लिनिकल वर्क से आपको फायदा हो और एट द सेम टाइम टीचिंग का अमल शुरू हो और पेशेंट बेनिफिट भी उसमें शामिल है. सो द टॉपिक टुडे इज कोलोरेक्टल कैंसर. कोलोरेक्टल कैंसर में जो सर्जिकल मैनेजमेंट वाला पार्ट है बेसिकली हम उसको हाईलाइट करेंगे. एंड मैं ये चाहूंगा कि ये जो आपके Q&A या जो चैट बॉक्स है इसको आप बिजी रखें. और बिकॉज हम वैसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, मतलब फेस टू फेस क्लास नहीं है, तो जितना इंटरेक्टिव होगा आपके सवाल होंगे यहाँ पे हम आखिरी 15 मिनट उसको डेडिकेट करेंगे कि विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस. एनीथिंग यू आर नॉट क्लियर अबाउट प्लीज राइट डाउन. I'll try to go through all of them. और अगर कोई सिमिलर क्वेश्चंस होंगे तो फिर उनको एक ही दफा में जवाब दे दूंगा. अगर अदरवाइज कोई पर्टिनेंट क्वेश्चंस होंगे तो जितने होंगे इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कवर. एज रिगार्डिंग कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल एज द वर्ड्स इटसेल्फ टेल्स यू दैट इट्स कोलन एंड रेक्टम. बेसिकली दिस इज लार्ज बाउल, रेक्टम इज पार्ट ऑफ दैट. अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो ये जो कोलोरेक्टल कैंसर है ये खासा कॉमन है यहाँ पर. इट्स नॉट ओनली द डिजीज ऑफ वेस्ट, इट इज डिजीज ऑफ ईस्ट एज वेल. और यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है हमें कि ये जो पेशेंट्स कोलोरेक्टल डिजीज के हम देखते हैं दे आर यंगर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न डेटा. जो यंगर पॉपुलेशन है वो मेनली अफेक्ट हो रही है और दैट इज मोर पेनफुल पार्ट ऑफ इट. इफ एनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड any of your known ones having a colostomy or colonic cancer surgery or management some done somewhere, will have some idea that if you are suffering from a lifelong colostomy, for example, so kitna social impact hai. The whole effort in this disease management is to save stomas, minimize stomas, to save sphincter functions, and to return the patients back to गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ वट एवर डेज अल्लाह मियां की तरफ से हैं. सो पिकिंग अप अर्ली डिजीज एंड पिकिंग अप एंड मैनेजिंग देम अकॉर्डिंगली इज द मेन ऑब्जेक्टिव. हमारा यूनिट सिविल हॉस्पिटल में कोलोरेक्टल यूनिट के तौर पे डेजिग्नेटेड है एंड वी गेट मोस्ट ऑफ दैट स्टफ इन एडिशन टू जनरल सर्जिकल वर्क. सो कोलोरेक्टल ट्यूमर्स के हवाले से जो हमारा लास्ट 2019 का जो डाटा था वो साल भर में हमने कोई 130 पेशेंट्स ऑपरेट किए थे. तो दिस इज रियली अ हाई वॉल्यूम सेंटर जिसमें इतने सारे पेशेंट्स आपके आते हैं. यू कैन कंपेयर इट विद एनी ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन जाहिर है हमें हमारे पास सहूलतों का कुछ फुकदान है. वी आर वर्क इन अ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल बट दिस यूनिट कोलोरेक्टल यूनिट हैज डेवलप्ड with efforts of Professor Amjad Siraj Mevan, an NGO jisko CDPWA kehte hain, colorectal disease patient welfare association CDPWA. That NGO basically tries to collect some resources, some funds, so that the poor patients can be helped out. Our slogan is that though our OPD falls on Wednesdays once a week, but the colorectal cancer patients, the malignancy patients involving large bowel, are welcome 24/7 from anywhere in Pakistan, from even Afghanistan. We get patients from wherever they come, want to come from Dubai, Hawaii se bhi aate rehte. Theek hai, to ye aap logon ke liye maine sirf isliye bataya ki if you have a referral, if you have this advice to give it to share it to someone jisko colorectal problem hai, malignant one especially. हम benign diseases भी करते हैं लेकिन colorectal cancer is the main focus. वो patient surgical three में 24/7 कभी भी land करेगा, भले रात में आके, बीच रात में आके वहाँ पर knock करेगा, तो he'll be welcome.
and if required, he will be admitted, and whatever treatment he deserves will be started. So let's get on with the slides. You have read the anatomy fresh in your first prof. This is a chart. This is a photo showing you some parts of large bowel. Coming from above downwards is cecum. Cecum is known more for its tiny appendix, which is famous in surgical crowd. सर्जरी में पहला ऑपरेशन लोग अपेंडिक्स का करते हैं और पार्टियां करते हैं, तो सीकम उसके साथ जुड़ा होता है. इट्स जंक्शन ऑफ स्मॉल बाउल एंड लार्ज बाउल. इट्स अ लिटिल मोर डायलेटेड सेक्युलेटेड पार्ट एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ कोलन. बाकी रेक्टम थोड़ा सा सेक्युलेटेड होता है, उसमें स्पेस ज्यादा होता है, लेकिन बाकी जो कोलन है वो थोड़ा नैरो होता है एंड सीकम इज मोर डायलेटेड. तो सीकम एंड देन इट्स असेंडिंग कोलन. The cecum and ascending colon both basically stay in the retroperitoneum. They are fixed. They have a peritoneal covering which keeps it attached to the retroperitoneum and psoas muscle area. So it's not a mobile part of colon. The mobile part of colon is transverse colon, which follows after ascending colon. And then again, there is a retroperitoneal part of colon, which is descending colon. Descending colon ke baad phir sigmoid colon ek aisa part hai jo ke intraperitoneal hai, it's mobile. And well, lastly is the rectum, and it ends up in the anus and anal outside. This picture is just to give you an orientation that what is lying there. Liver kahan pada hua hai, spleen kahan pada hua hai, stomach kahan hota hai, aur colon ke arrangement kis tarah se hai. So you are well aware of that. I wanted to share this slide just to give you an idea that colorectal cancer mein zyada masla kahan hai. Aur ye jo blue circles hain, they are representing male population, and the red ones are representing female population. To aap dekh sakte hain ki rectum is maximally affected. Rectum mein sabse zyada tumor hota hai colorectal cancer mein, agar aap dekhe, followed by सिग्मॉइड कोलन. सो लेफ्ट साइड ज्यादा और उसके बाद फिर राइट साइड. तो राइट साइड में फर्स्ट पार्ट सीकम सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है. तो इन द ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर रेक्टम, सिग्मॉइड कोलन, एंड देन फाइनली असेंडिंग कोलन, व्हिच इज सॉरी सीकम. उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन में भी होता है एंड डिसेंडिंग असेंडिंग में होता है, लेकिन टू अ लेसर प्रोपोर्शन. सो रेक्टम इज द वर्स्ट अफेक्टेड ऑर्गन इन कोलोरेक्टल cancer disease especially. Colorectal cancer is, as the word says, it's a cancer of colon and rectum. Cancer begins in the colon or rectum, known as colorectal cancer. The colon is about 5 feet long. If you were from cecum to rectum, you know, roughly. थोड़ा बड़ा भी हो सकता है किसी किसी में. तो जो लोग ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, कुछ अपना जेनेटिक डिफरेंशिएशंस भी होती हैं. पीपल हु आर इन अफगानिस्तान एंड पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम केपीके, दे टेंड टू हैव बलूचिस्तान इवन हैव लॉन्गर रिडंडेंट कोलन. लाइक ट्रांसवर्स लंबा होता है उनका और सिग्मॉइड भी बहुत लंबा होता है, ठीक है. लेकिन दिस इज एन एवरेज के 5 feet लॉन्ग होता है कोलन. Colorectal cancer can occur in any section of the colon and rectum, as we said earlier. Colorectal cancer कैसे होता है, किस चीज से होता है, this is same as any other cancer, जिसमें आप precisely कह नहीं सकते कि ये इस वजह से होता है, ठीक है. आप ये कह सकते हैं कि CA stomach में H. pylori का बहुत contribution है, लेकिन H. pylori alone is the causative factor. तो causative factor इस तरह नहीं है जैसे कि आपको typhoid fever जो होता है वो salmonella organism से होता है, bacteria से होता है, और मलेरिया आपको उसके पर्टिकुलर पैरासाइट से होता है. तो इसके लिए आप पर्टिकुलरली किसी एक चीज को पिनपॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन देर आर रिस्क फैक्टर्स. सो दी रिस्क फैक्टर्स आर मोर और लेस यूनिवर्सल फॉर ऑल कैंसर्स, बट एज रिगार्ड्स द कोलोरेक्टल कैंसर, इसमें जो चीजें हैं वो हमें मेंशन किए हैं. सम रिस्क फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज, फॉर एग्जाम्पल एज के साथ उसका अगर जो इंसिडेंस है आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब एज पेशेंट की आप वापस नहीं कर सकते. यू कैन नॉट
you cannot stay younger always to avoid cancer, because ये ज़्यादा तक तो old age में होता है, लेकिन ये कि age is one factor which cannot be changed. Family, of course, whatever your family is, वो वैसी रहेगी. अगर family history है तो the person is likely to have exposure or risk. Some risk factors can be changed or eliminated, like tobacco use, obesity, activity, lifestyle, diet. इस तरह की चीजें आप change कर सकते हैं. More than 90% of colorectal cancer is found in people above 50. Lekin this data is not Pakistani data. This data is coming from the West. UK ka data hai ye, aur hamare yahan zara sa difference hai. Ek to ye ki hamare paas extreme of age bahut kam hai jitni ke West mein hai. To ek ye ho sakta hai reason. Dusra ye ki yahan par kuch ऐसा डिफरेंट है कि हम देखते हैं कि आई हैव सीन यंगेस्ट कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट कमिंग एट द 11 इयर्स ऑफ एज. 11 साल के भी हमने देखे हैं, जबकि इनके पास 11 साल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ना होने के बराबर होगा. एंड आवर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स इज यंग एज, लाइक 30s 40s 30s 40s. ओल्ड एज होते हैं, लेकिन ओल्ड एज maximum old age, maximum is young age in our setup. Family history में अगर किसी को है तो of course you have increased risk colorectal cancer है, अगर या फिर polyps की history है तो that again is a risk factor, colonic polyps, because they can be precancerous. पर्सनल एंड फैमिली रिस्क फैक्टर्स में कंटिन्यू करते हुए, पर्सनल हिस्ट्री में कोलोरेक्टल कैंसर अगर फैमिली में है, एडेनोमेटस पॉलिप्स हैं, एडेनोमा इज अ ग्रोथ दैट कैन टर्न इनटू कैंसर, इट्स अ प्री कैंसरस कंडीशन इफ इट इज स्पेशली एडेनोमेटस पॉलिप. ओवेरियन एंडोमेट्रियल कैंसर बिफोर एज ऑफ 50 इफ समवन हैज इज अ रिस्क फैक्टर, एन इन्फ्लेमेटरी बाउल इज अ नोन रिस्क फैक्टर फॉर कोलोरेक्टल कैंसर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. This slide is to give you an idea that how a normal, on extreme left, if you see the normal lumen converts into some adenoma through DNA changes, and then this severely, progressively goes to severe dysplasia, which is called carcinoma in situ, and then the frank overt cancer. So this is how the sequence goes. Other risk factors for colorectal cancer are smoking, refined food, high fat diet, obesity in especially premenopausal age group. Blacks have a worst outcome of this disease as compared to the white population, and that worst part of affecting black people is probably true for Pakistani population as well. We'll be talking more detail of surgical parts, so I'm switching through quickly through these slides so that we can save time. Signs and symptoms of colorectal cancer, as you can imagine, the colorectal cancer can bleed. It can present in bleeding. Colorectal cancer can present in obstruction. Colorectal cancer can present in pain, and some cancers of right-sided colon present only in anemia. The patient has anemia, low HP, and if you want to investigate, you investigate and you find that someone has a colonic tumor sitting over there. So in this part of the bowel, if the tumor is large enough to cause constipation and then eventually complete obstruction, these patients present early. But the patients who have right-sided tumor and the cecum, as I said, is a large sac, उसमें occlude करने के लिए, obstruct करने के लिए बहुत time चाहिए. तो these tumors usually present late. जबकि left side पे जहाँ narrow colon है या transverse colon for that matter, तो वहाँ पर patient जल्दी पहुँचते हैं. तो sigmoid और transverse वाले patients जल्दी आएंगे. अच्छा, rectum क्योंकि अगेन एक बड़ा सा सेक है, तो उस पेशेंट को प्रेजेंट करने में देर लग सकती है. अच्छा, जो रेक्टल डिजीज है उसके सिम्टोमेटोलॉजी कुछ इस तरह से है कि ही कैन ब्लीड और ही कैन हैव अ फीलिंग दैट
there is something which is not giving him complete satisfaction after defecation. He'll feel as if there is still some stool material behind, and he would like to visit the toilet again. So these patients who have rectal cancer, under the impression that they have more stools behind in the rectum, they keep visiting washrooms 4, 5, 6 times as per the feeling. And होता कुछ नहीं है उसमें, होता म्यूकस है, ब्लड है, थोड़ा बहुत फीकल मैटर आता है. तो ये वाला जो है, इसको पेशेंट आमतौर पर डायरिया करके बताते हैं कि हमें डायरिया होता है. यानी वो अगर 8 दफा जाते हैं वॉशरूम तो कहते हैं हमें तो डायरिया हो रहा है, तो जुलाब लगे रहे, लेकिन एक्चुअली वो डायरिया नहीं होता. इट्स बेसिकली एन स्पूरियस डायरिया. स्पूरियस इज फॉल्स डायरिया. सो इट्स एन इंप्रेशन दैट देयर इज डायरिया, बट देयर इज नो एक्चुअल डायरिया. आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट्स में कोई वाटर डिप्लीशन नहीं होती, कोई डिहाइड्रेशन का एलिमेंट नहीं होता जो कि क्लासिकल डायरिया में होता है. सो दीज पेशेंट्स हैव ब्लीडिंग ईदर, or they have a spurious diarrhea, or they have, if the tumor is low down at the sphincter area or near the sphincter area, impotence must be also there. The defecation act is actually painful and a bad experience for the patient. So these are the symptoms. The management will be according to the presentation. Agar ek patient hai jo obstruct ho ke aata hai, for example, to obstruction is more important problem at that stage as compared to the cancer itself. Obstruction agar benign bhi ho to life threatening ho sakti hai, us par relief karna bahut jaldi zaruri hota hai. It's a surgical emergency. Whereas if the tumor is diagnosed and it's not causing obstruction, you can investigate, you have time, you can investigate, aur usko phir aap collectively plan karke, sare investigation karke, samjha bujha ke आप उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं. डिपेंडिंग के आपको उनकी डायरेक्ट सर्जरी करनी है या उनकी पहले ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी होती है, वो आपको उसमें करना है. ओके, हाउ डू वी डायग्नोज दैट? सो दिस इज टिपिकली फॉर अ पेशेंट हु हैज मिनिमल सिम्टम्स. The warning signs, for example, bleeding PR, and for example, spurious diarrhea, for example, weight loss, for example, okay, or colicky abdominal pain on and off because of difficulty passing through the narrow segment of affected bowel. तो उसके लिए आपकी जो अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि we in our setup, and this is not only in our setup, this is a universal recommendation that any bleeding PR should be taken serious. So what we say to the patient is that any bleeding PR is cancer unless proven otherwise, because the cancer is something which can take your life, which can significantly affect your quality of life, and it can actually end your life at some stage earlier than what normally the physiology of a human being is generally. So jab kisi ko bleeding PR ho to aap unko rectal examination karke piles ki jaisi koi chota mota diagnosis agar aapko mil jata hai, to you should not be settled with that, because we have seen people having piles and at the same time having tumors above in the sigmoid colon or in the rectum, and these patients get treated for piles, and these patients delay the treatment of cancers, and the cancers when become diagnosed, they actually it's already too late so that you can give them a good quality treatment for curative intent. So all bleeding PRs should be considered cancers unless proven otherwise. Aur jo protocol hai wo ye hai ki a bleeding PR patient should be examined in your OPD, in your clinic. You examine the abdomen, you examine the anal margin, anal area with digital rectal examination, jisko PR examination bhi kehte hain, and then you can do proctoscopy as an OPD procedure. Lekin agar aapko usme piles milte hain, uske baad bhi aapko unki pehle flexible sigmoidoscopy kam se kam kara leni chahiye. Agar full colonoscopy possible hai to wo kar le, so that you are sure that this blood is not only coming from piles, it may be coming from some other source as well. And with flexible sigmoidoscopy, this is an endoscope, this is a machine, this rubber tube with a light over there, or aap isse directly
Nargol को देख सकते हैं. एंड यू कैन आइडेंटिफाई द डिजीज, यू कैन टेक द बायोप्सी, यू कैन रिमूव सम स्मॉल पॉलीपाइडल लीजंस थ्रू दिस एंडोस्कोप. कोलोनोस्कोप इज ऑल्सो एन एंडोस्कोपी. It's only lower endoscopy. The other one is upper endoscopy. So endoscopic treatment of small early polyps is possible, and in addition to the biopsy, and then of course diagnosing any other cause apart from piles. So again, bleeding pile, bleeding PR is cancer unless proven otherwise. You can have in between tests done fecal occult blood. This is one alarming sign that blood कहाँ से आ रहा है fecal matter में. यानी stool DR करा के देखेंगे आप अगर किसी patient को इस तरह का है और वो colonoscopy कराने में comfortable नहीं है. Then you can have an X-ray which is less traumatic. Endoscopy, colonoscopy थोड़ा सा मतलब क्या कहना चाहिए discomfort carry करता है patient के लिए. लेकिन ये जो X-ray है double contrast barium enema इसमें कोई तकलीफ नहीं होती. सिमिलरली सीटी स्कैन में कोई तकलीफ नहीं होती. ये कुछ दवा डाली जाती है उससे एक्सरे किए जाते हैं. सीटी स्कैन एज यू नो इज अगेन अ कंट्रास्ट स्टडी और उसमें आप कंट्रास्ट देते हैं और सीटी स्कैन करते हैं गिव्स यू डिटेल इंफॉर्मेशन. एमआरआई इज स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर रेक्टल कैंसर बिकॉज आप जब रेक्टल की आपको सर्जरी करनी होती है या उसको रेडिएशन देना हो यू नीड टू नो कि उसका स्टेज क्या है. और ये आपको बताता है कि ये टी स्टेज 1 है 2 है 3 है 4. सीटी स्कैन इज नॉट दैट गुड इन दैट कॉन्टेक्स्ट. सो ब्लीडिंग पीआर अलार्मिंग साइन. फीकल ऑकल ब्लड मे बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन. यू शुड एडवाइज द पेशेंट फॉर एन एंडोस्कोपी टू मेक श्योर दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग अप अबव. एंड इन एडिशन टू दैट और इफ पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर दैट यू कैन गो फॉर दीज थिंग्स. So once you have seen something fishy, rectal tumor, a sigmoidal tumor or something like that, maybe a right-sided tumor, then you get the CT scan to stage the disease ki wo kahan tak hai, uski extent kahan tak hai, lumen se bahar kitna hai, uski nodal status kya hai, and then MRI for rectum to know that uski upfront surgery honi chahiye starting mein hi ya phir usko pehle downstage karein. उसको पहले रेडिएट करें, उसको कीमोथेरेपी दें, उसके बाद उसकी सर्जरी करें सो दैट इट इज रिसेक्टेबल. इफ यू रिमूव हाफ ऑफ द ट्यूमर इट्स नो सर्जरी. इट्स एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव. सो गेटिंग दिस न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट द ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ रेक्टल कैंसर इज बेसिकली सेविंग लॉट ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट सर्जरी और हाफ हार्टेड सर्जरी. दे कैन हैव अ बेटर रिजल्ट आफ्टर सर्जरी इफ ट्रीटेड ऑलरेडी with chemotherapy and radiation. This small picture, in this picture is showing a person doing an endoscopy. The scope is inside through anus all the way right up to cecum, and this is how you can see the lumen inside. Okay, it's a flexible tube. It has light attached to it. Patients do have some discomfort. They are although this is a day care procedure, it may take something like 30 minutes, sometimes more, sometimes less. इसमें आपको patient को sedate करना होता है and you need to ask the patient to take laxatives so that the intestine is clear of fecal matter. Otherwise, you can't see a thing. So for endoscopy, you need to prepare the bowel. So this is called bowel preparation. And bowel preparation अच्छी नहीं होती तो examination अच्छा नहीं होता. These are polyps, the pictures of polyps, which should always be biopsied and seen for that. Okay, उसमें क्या change हो रहा है? अगर तो वो tubular adenoma है, तो chances of malignant transformation are less. In case of villous adenoma, the chances of malignant transformation are more. These are endoscopic pictures of colon. Similarly here. And if you see this picture which is in the center, this is a snare which can be used for doing polypectomy. Jaise ki isme aap ye polyp ya remove kar chuke hain. This is a polyp intact and this is in B picture. This is the base of pedicle where the polyp has been removed with this snare. So as I told you earlier, the small polypoidal lesions can be managed with the endoscopy and endoscopic mucosal resection भी हो सकती है. अगर ये थोड़ा broad base हो तो इसमें inject करके आप उसको पूरा resect भी कर सकते हैं. जो technology has
giving you this advantage. This looks like tubular villus. This looks like tubular adenoma. And adenomas are the precursors of cancers in the cell. Again, one more polyp with a pedicle. आप इसको आराम से polypectomy कर सकते हैं endoscopic तरीके से. How can you reduce the risk of colorectal cancer? You can get yourself a screen. You can maintain a healthy weight, healthy lifestyle, healthy diet. Avoid smoking. Frequent use of fruits, vegetables, fiber, tobacco, and alcohol should be avoided. Very simple things. This is basically Wes. Wes, thodi aapki help chahiye mujhe. This is American Joint Committee for Cancer Staging. This is there for something like 50 years, and they are doing a very good job in staging tumors, colorectal cancer ki staging ke skills le rahi hai. So this is the TNM staging, TNM classification of tumor. TX is when primary tumor cannot be assessed. T0 is when there is no evidence of, when there is no primary tumor. TIS is in situ. These are usually the polyps with dysplasia and early mucosal lesions. Not frank cancer, but you know, changes showing that it can go into a full overt cancer. T1 is confined to only submucosa, right? There are layers, mucosa, submucosa. T2 invades muscle, muscle propria. And T3, when it goes across the muscle up to subserosa or in the mesentery, like rectum, ek mesorectum hota hai. उसमें अगर वो जाता है तो दिस स्टेज इज स्टिल बी कॉल्ड T3 स्टेज एंड देन द T4 इज वन लार्ज ट्यूमर व्हिच इन्वेड्स द अदर ऑर्गन्स अराउंड फॉर एग्जांपल ब्लैडर फॉर एग्जांपल यूट्रस फॉर एग्जांपल ड्यूडनम ऑन द राइट साइड फॉर एग्जांपल एनी एडजेसेंट विसरा और अगर परफोरेट हो जाए तो वो भी T4 ही कहलाएगा लिम्फ नोड्स अगेन कैनॉट बी असेस्ड इज Nx N0 इज व्हेन देयर इज नो नोड N1 is when 1 to 3 lymph nodes are in the region are involved, and more than 3 are in 2. Metastasis, as you know, metastasis is the disease traveling to some distant area. So MX is when it cannot be assessed, M0 when no distant metastasis is there, and M1 is when there is metastasis. And similarly, they can be divided accordingly, कि ये T है, ये N है, ये M है, तो उसके स्टेज बना सकते हैं आप. If you see, T3 से पहले के जितने हैं वो सारे स्टेज 1 में आएंगे, ठीक है? और T3, 4 ये स्टेज 2 में आते हैं, लेकिन जब नोडल स्टेटस चेंज होता है तो फिर आप उसको स्टेज 3 में काउंट करते हैं. और जब स्टेज 4 की आप बात करते हैं तो वो टी का कुछ भी साइज हो उसमें मेटास्टेसिस होगा और नोडल स्टेटस कुछ भी हो सकता है. सो वंस मेटास्टेसाइज इट इज स्टेज 4. ट्रीटमेंट यू हैव डिफरेंट मोडेलिटीज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ द डिजीज. यू कैन directly go for surgery, you can radiate the patient, you can do chemotherapy, you can do some immunotherapy, which is a new modality. Treatment colon surgery, ab hum surgery ki baat karenge. Surgery is as a part of treatment. So there are surgeries designed for stage and site of the tumor accordingly.
ये आपको चाहिए? हाँ So surgery is the main treatment of colon cancer and colorectal cancer as well. Patient is given a laxative or enema for the operation. General anesthesia दिया जाता है. Cancer tissue उसको निकालना मकसूद होता है. And then if you can maintain the continuity, you join the resected ends after removing the tumor, and the remaining sections of the colon can be reattached, which is called anastomosis. A temporary or a permanent colostomy depending कि आपको किस स्टेज का ट्यूमर करना है और कहाँ का करना है. For right-sided tumors, you do right hemicolectomy. Usually, it can be extended, it can be limited, depending on the stage and site location of the tumor. I'll show you more slides for that. इसमें आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. And for left-sided, you have left hemicolectomy, sigmoidectomy. Just to give you the names, left hemicolectomy, sigmoidectomy, Hartmann's procedure, anterior resection, APR. These are few operations. Appendicectomy is mostly mentioned here. The tumor can involve only appendix, the tip of appendix. So if it is involving the tip of appendix and a small tumor, appendicectomy alone is enough an operation. लेकिन अगर वो base तक जाता है, where the cecum starts, तो उसमें आपको right hemicolectomy के लिए जाना पड़ेगा. So these are the right-sided operations. These are left-sided operations. This picture gives you some idea. कि जो ये जो dotted lines हैं, ये आपको बताती हैं कि आपको कहाँ तक resect करना है. Now, as we know, this is appendix, cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and then eventually the rectum. Now, if this is the tumor, this is called cecal tumor. And for cecal tumor, you do classical right hemicolectomy operation. Classical right hemicolectomy का मतलब है कि आप सीकम निकालेंगे, सेंडिंग कोलन निकालेंगे, ट्रांसवर्स कोलन का कुछ पोर्शन निकालेंगे, यूजुअली फर्स्ट वन थर्ड ऑन राइट साइड. अच्छा, इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये वन थर्ड है या हाफ है या टू थर्ड है. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द वैस्कुलर सप्लाई, बिकॉज ट्यूमर यहाँ पर तो है, लेकिन जो उसका नोडल स्टेटस है, जो उसकी नोडल स्प्रेड है, जो लिम्फेटिक स्प्रेड है, वो अलोंग द वेसल आता है. तो जो सप्लाइंग आर्टरी है, उसको अगर आप फ्लश टारगेट करते हैं, लाइक जहां से वो राइज हो रही है, तो फिर आपको मैक्सिमम नोड्स उस फील्ड में, उस स्पेसिमेन में आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जितनी वेसल्स हैं राइट साइड को सप्लाई करती हुई, इनमें यहाँ नोड्स होंगे, और वो नोड्स अगर आप सीकम को यहाँ डिवाइड कर दें, या सीकम को इस तरह से डिवाइड कर दें, इफ यू कैन सी माई कर्सर, If you stay close to the bowel and resect all the way, और ये पूरा बाउल निकाल दें और ये मेसेंट्री छोड़ दें, तो यू आर लीविंग बिहाइंड अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिकरेंस विच विल बी नोडल रिकरेंस. सो इट इज नॉट ओनली द बाउल ल्यूमन विच इज टू बी एक्साइज, इट इज द मेसेंट्री एज वेल. सो दिस कॉल्ड मेसोकोलिक एक्सीजन. मेसोकोलिक एक्सीजन इज द टर्म यूज्ड फॉर कैंसर सर्जरी. एंड दे से समटाइम्स दैट बाउल कैंसर सर्जरी इज एक्चुअली अ वेस्कुलर सर्जरी, कि आप उसके वेसल जाके निकालते हैं, फ्लश लाइगेट करते हैं, तब जाके आप एक अच्छा ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं. दिस इज द स्टैंडर्ड. सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कौन कौन सी वेसल हैं, ये सीकम के पास जो बड़ी वेसल नजर आ रही है आपको, ये है एल्यूकोलिक वेसल. तो जब आप राइट हेमिकोलेक्टमी करते हैं, दिस इज राइट हेमिकोलेक्टमी स्पेसिमेन. द डॉटेड लाइन जो नजर आ रही है, ये इस तरफ का राइट हेमिकोलेक्टमी स्पेसिमेन है. इसमें आपको एल्यूकोलिक जहां से अराइज हो रही है वहां से लेनी है. उसके बाद ये राइट कोलिक वेसल है जो कि इनकंसिस्टेंट होती है, किसी में होती है, किसी में नहीं होती. अगर है तो अगेन यू गो एज हाई एज पॉसिबल सो दैट यू गेट द लिम्फ नोड हार्वेस्टिंग इन दैट. एंड देन दिस इज मिडिल कोलिक आर्टरी. द मिडिल कोलिक आर्टरी इज बेसिकली द मेन ब्रांच सप्लाइंग ट्रांसवर्स कोलन. इसके दो ब्रांचेस होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट. So in classical right hemicolectomy, you take the right branch flush, and then ये करने के बाद फिर आपको जहां उसकी mesentery end होती हुई नजर आए, आप वहां से bowel resect करते हैं, and the rest of bowel will survive on this blood supply which is coming from the left side. इसी तरह से आप इसको extend कर सकते हैं. You can extend it up to here. This will be called an extended right hemicolectomy if you take मिल्कोलिक फ्रॉम द बेस, यानी आप उसकी लेफ्ट ब्रांच भी निकाल रहे हैं. अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड पे जो ये लाइन, ब्लैक लाइन दी हुई है, दिस इज फॉर लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी.
or this will be done for splenic flexure tumor, for descending colon tumor. And if you have a tumor somewhere in the sigmoid colon, उसके लिए सिग्मेट कोलेक्टमी या फिर और ऑपरेशन है जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ. तो इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ ल्यूमन नहीं निकाली, आपको उसका वेस्कुलर बेड भी निकाली, जिसमें कि लिम्फेटिक क्लियरेंस आ जानी चाहिए. लिम्फेटिक क्लियरेंस अगर किसी स्पेसिमेन में लिम्फ नोड्स कम होते हैं तो आपका पैथोलॉजिस्ट कहता है कि दिस इज अ पुअर स्पेसिमेन और वो अच्छी ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी नहीं होती. तो रिमूविंग पार्ट ऑफ बावल इज नॉट इनफ, ये बात याद रखें. कोलन सर्जरी, कोलोनिक कैंसर सर्जरी में लिम्फ नोड स्टेटस बहुत जरूरी है, लिम्फ नोड हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, उसकी पूरी मेसेंट्री निकालना बहुत जरूरी है जो कि उसकी सप्लाई लाइन से आ रही है. दिस इज अनदर पिक्चर शोइंग यू ट्रांसवर्स कोलेक्टमी. कैन यू सी दिस, दिस इज ट्रांसवर्स कोलन. आप इसमें लेफ्ट लेफ्ट कोलिक ब्रांच, मिडिल कोलिक का लेफ्ट ब्रांच लेते हैं एंड देन यू टेक दिस मच, दिस डिस्टेंस शुड बी मिनिमम 5 सेंटीमीटर. ट्यूमर से 5 सेंटीमीटर दूर तक आपको बाउल लेना बहुत जरूरी होता है एंड देन द होल मेसेंट्री सप्लाइंग दिस. दिस इज सिग्मॉइड कोलेक्टमी. अगर आप यहाँ तक खत्म करते हैं तो ये सिग्मॉइड कोलेक्टमी है. और अगर आप और नीचे जाते हैं तो दिस कॉल्ड एंटीरियर सेक्शन, जहाँ आप रेक्टम को नीचे जाके डिवाइड. Okay, this is right hemicolectomy shown little better. Some part of transverse colon is taken along with the right branch. इसमें vessel नहीं दिखाई गई, लेकिन you can have this idea. फिर आप small bowel को colon के साथ join कर सकते हैं. अच्छा, ये joining और no joining का decision बड़ा important होता है. Joining when you safely feel that you can join it, because there is one problem with the bowel anastomosis, bowel union, is that there can be an anastomotic leak. So if an anastomotic leak is threatened, is it can be foreseen, aap usko join na kare, stay on the safer side, give them stoma, which can be temporary stoma, you can come back and reverse them afterwards, after a few months of acute stage se patient nikal jata hai. Because these cancer patients are usually malnourished, unki nutritional status itna acha nahi hota hai, so they are to be done on the safer side. Left hemicolectomy again, removing terminal part of transverse colon and the whole descending colon and part of sigmoid colon. This is called left hemicolectomy. Of course, this will be taking the vessel, the supplying vessel, the left colic artery and the left branch of middle colic artery along with the whole mesentery which carries nodes. The treatment of rectal surgery is a whole new subject, matlab ek entirely bada subject hai usme. बहुत सारी चीजें हैं जो कि समझने की जरूरत है, लेकिन एट योर स्टेज व्हाट आई थिंक इज दैट इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट रेक्टल ट्यूमर इफ थ्रू एमआरआई और थ्रू सीटी स्कैन इज रिपोर्टेड दैट उसकी जो रिसेक्शन मार्जिन है, यानी जहां से आप उसको रिमूव करेंगे वो ट्यूमर वहां तक पहुंचा हुआ है या वो थ्रेटन है, तो दीज आर द पेशेंट्स एंड दीज विल बी T3 ऑनवर्ड्स, T3 से आगे के पेशेंट्स. ठीक है, तो T3 पेशेंट वो होते हैं जिनका मेसेंट्री में नोड्स होते हैं और ट्यूमर जो है वो सबसे ऊपर तक क्या होता है. लेकिन अगर उससे आगे है T4 स्टेज का ट्यूमर है तो आप उसकी सर्जरी करके कुछ हासिल नहीं करते, वो ट्यूमर वापस आ जाएगा. तो एनी ट्यूमर इन द रेक्टम व्हिच इज थ्रेटनिंग द रिसेक्शन मार्जिन शुड बी सब्जेक्टेड टू कीमो रेडिएशन इन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट. इसको कहते हैं न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन. न्यू एडजुवेंट एंड एडजुवेंट के दो लफ्ज हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे. Adjuvant is one treatment which is given after surgery, and new adjuvant is one treatment which is given before surgery. Surgery से पहले आप downstage करने के लिए, surgery को resectable surgery में convert करने के लिए जो करते हैं वो new adjuvant क्या है. New adjuvant chemo radiation और अच्छा radiation या new adjuvant treatment overall colonic cancer के लिए ज्यादातर फायदेमंद नहीं होता. So there is hardly any role of new adjuvant oncological treatment for cecal tumor, for ascending colon tumor, for transverse colon, for descending colon, for even sigmoid, even for the first part of rectum, they say कि उसको भी क्योंकि वो intraperitoneal part होता है, mobile part होता है, तो वो आप उसकी surgical margins safely अगर ले सकते हैं, we don't need to go for any new adjuvant treatment. New adjuvant treatment again only in cases when the margins are threatened.
दिस इज पिक्चर शोइंग यू एपीआर। एपीआर में आप ये करते हैं कि सिग्मॉइड कोलन का कुछ हिस्सा, पूरा रेक्टम और एनल कैनाल समेत, ये पूरा पूरा निकाल देते हैं एंड नेचुरल ऑरिफिस ऑफ एनल कैनाल इज बेसिकली क्लोज्ड एंड दिस पेशेंट इज गोइंग टू हैव अ परमानेंट कोलोस्टोमी लाइक दिस वन, ये हमेशा के लिए। सो द ट्यूमर इफ इट इज लो डाउन एंड यू कैन नॉट स्पेयर दी स्फिंक्टर्स, अगर आप स्फिंक्टर्स को स्पेयर करते हैं तो एक और ऑपरेशन करते हैं, इसको एंटी रेसेक्शन करते हैं, अगर आप नहीं बचा सकते, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ द लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर बचाने के लिए आधा ट्यूमर निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पेशेंट आप ग्रेटफुल थैंकफुल नहीं होगा, आप उसको समझाएं, एक्सप्लेन करें, उसका स्फिंक्टर निकालें सो दैट यू कैन रिमूव द ट्यूमर एडिक्वेटली। रेक्टल ट्यूमर में ये बड़ा झगड़ा होता है कि स्फिंक्टर सेविंग होगा या स्फिंक्टर निकालने वाला होगा, स्फिंक्टर सेविंग होगा या निकालने वाला होगा। सो दिस पिक्चर अगेन शोज यू सम ऑपरेशंस, द लिमिटेशन, दिस इज एपीआर, इसमें आपको सिग्मॉइड और रेक्टम और एनल कैनाल पूरा निकालना होता है। दिस इज सिग्मॉइडकोलेक्टमी और यू कैन से हाई एंटी रिसेप्शन एंड दिस इज लो एंटी रिसेप्शन। हाई और लो का क्या मसला है, हाई और लो की मैं आपको और पिक्चर दिखाऊंगा उसमें है, लेकिन इफ यू आर कटिंग जस्ट अबव द एनल कैनाल इट इज अल्ट्रा लो, इट इज अल्ट्रा लो। और अगर ऊपर रेक्टम के तीन पार्ट होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के दरमियान अगर आपको डिवाइड करना है तो दिस इज एंटी रिसेक्शन, बट इफ यू हैव टू गो लो डाउन एंड टीएमई के नीचे जाके करते हैं तो वो लो मिसोरी लो एंटी रिसेप्शन कहलाता है या अल्ट्रा लो कहलाता है। एंड दे आर टेक्निकली वेरी डिमांडिंग ऑपरेशन बिकॉज यू आर वर्किंग इन द इन बिटवीन द बोन्स इन नैरो पेल्विक एरिया, यूजुअली वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो दैट इज व्हाई द स्पेशलिटी हैज बीन डेवलप्ड, के स्पेशलिटीज में लोग उसको करते रहते हैं तो दे गेट बेटर एट इट। एंड देन ऑफ कोर्स द टेक्नोलॉजी व्हिच आई विल कम टू later. I cannot see so far any messages coming up. So if you have any questions, please don't hesitate writing down. This is rectal surgery, rectal anatomy showing high anterior section, low anterior section at this level. This is the rectum first part, the second part, the third part. Okay, so ultra low will be this level, this will be low, and this is high anterior section. And if you remove everything, you convert it into an APR or abdominal perineal section. The APR is one where you don't have anal canal, you have to give them a permanent colostomy. Anterior section is anterior is because you do it all anterior from abdomen. The APR is abdominal perineal level. Upar se bhi karte hain aur ye operation niche se bhi karte hain. One more picture showing you some operations, the limitations. I think we have done it in detail. This is the technology where the major operations are done with minimal invasive technology. You do it laparoscopic. This is laparoscopic team working on the patient, and you can see in the monitor inside the cameras and instruments are in, and they are working. And this is how the patient will be having this operation with minimal trauma. This is a picture showing you a laparoscopic view of tumor. This is aorta, which is not directly seen like that. It is covered with peritoneum. This is sacral promontory, this is anti-abdominal wall, this is pelvis, this is pelvic hollow. This is sigmoid colon. It has been lifted by an instrument and the vessel which starts from aorta and goes to the sigmoid colon and to the rectum. There's inferior mesenteric artery which you can dissect and then divide it here laparoscopic. This is another technological operation, a robot in action. This is one of our good friend in UK. He's a Pakistani guy, Dr. Amjad Parvez. He's busy doing a robotic colectomy. This is a picture which he shared to him. These are part of robot. This is tower which carries the monitor and other machines. These are the arms of robot which actually are fixed after making the ports and instruments inside the abdomen. And then once this is called docking. आप instrument डालते हैं, आप patient को बेहोश करते हैं, आप
बॉटल्स बनाते हैं जो कि रिकमेंडेड हैं, और उसमें वो इंस्ट्रूमेंट डालते हैं जो कि अंदर जाके डाइसेक्ट करेंगे, उनको कनेक्ट करते हैं इन आर्म्स के साथ। सो दिस इज पेशेंट कार्ड कहलाते हैं, कार्ड कहलाता है, जिसमें ये डॉकिंग के डिवाइसेस हैं, ये आर्म्स हैं, एंड दीज आर कंसोल्स। और इसमें सर्जन बैठ के बेसिकली वो सब कुछ देख रहा होता है इन 3D फैशन। वो 3D फैशन का डेफिनेटली एक बड़ा एडवांटेज है कि आपको डेप्थ परसेप्शन का पता होता है कि क्या चीज कितना दूर है, जो कि लैप्रोस्कोप में नहीं पता होता। सो यू डू दिस ऑपरेशन एक्चुअली देयर बट कंट्रोल इट फ्रॉम हियर। यहाँ एडवांटेज ये है कि आप सर्जन को चाय पिला दें, बीच में रुक जाए, पानी पी सकते हैं। वेयर इज इफ यू आर स्क्रब डूइंग लैप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी, यू कैन नॉट यूज योर हैंड्स फॉर एनीथिंग आउटसाइड द ऑपरेटिंग फील्ड। This is a happy patient having small incisions after a robotic or laparoscopic surgery. So you can see the minimally invasive techniques of surgery coming up with every passing time, more and more, and the patient quality of life after this surgery, less pain, less infection, patient morbidity definitely significantly is increased, and these are the gold standards laparoscopic surgeries in colorectal. ये जो रेक्टम है, रेक्टम में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रेक्टम मैंने बताया कि इट्स अ नैरो पेल्विस एंड डीप डाउन इन द कैविटी आपको काम करना होता है। तो बाजू का ओपन सर्जरी में आपके बड़े बड़े हाथों को इतनी जगह नहीं मिलती, लेकिन अगर आप रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दे आर स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, उसकी छोटी छोटी टिप्स होती है, जिनमें सीजर्स है, उसमें कोई और इंस्ट्रूमेंट करता है फॉरसेप्स है। तो वो जो पेल्विस और प्रोस्टेट की जो सर्जरी है, उसके लिए रोबोट का बहुत जबरदस्त रोल है। Robot has definitely advantages in doing rectal surgery as compared to upper surgery, जो कि आप हाथ से भी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन नीचे हाथ से उतना अच्छा काम definitely नहीं हो सकता, क्योंकि robot has precision, 3D imaging and narrow spaces you can work well with minimum discomfort to the patient. Briefly touching the other modalities which as I said can be used, like oncological treatment, chemotherapy. Chemotherapy can be given in rectal surgery before operation, or it can be given after surgery. Neoadjuvant and adjuvant chemotherapy kehlayegi. Jo neoadjuvant setting mein rectum ka treatment hai, usme aap radiation bhi combine karte hain, because it is a fixed part jahan aap radiate kar sakte hain. Jo colon hai wo mobile hota hai usually, और उसमें आप रेडिएट कर नहीं सकते ज्यादा, और उसका कोई खास एडवांटेज नहीं है। इसलिए कोलोनिक सर्जरी में रेडिएशन का रोल मिनिमम है, अनलेस यू वांट टू रेडिएट समथिंग एडजेसेंट। लेकिन रेक्टम में डेफिनेटली न्यूरोएडजुवेंट का रोल है, कीमोथेरेपी रेडिएशन बोथ दोनों, इससे ट्यूमर्स डाउन स्टेज होते हैं और आपकी सर्जरी अच्छी होती है। दिस इज फोटो शोइंग यू सम आइडिया ऑफ radiation therapy. This is given to downstage to basically kill the cells, to radiate them. Neoadjuvant is before surgery, adjuvant is after surgery. We not go in details that kya dose or kis tarah se. This is again radiation, showing you some more details. Immunotherapy, use of natural substances produced by the human immune system, and there are the products available currently. They can be used for killing the cancer cells, as immunotherapy. But this is not something which is in frequent use, especially in our setup. I think that was the last slide. Thank you so much. That was the presentation. I want to see if there are any questions so that we can come back to it. There is one question from Zora. What is the safer option? Sorry, this is Hadika Talha. What is the safer option regarding bowel anastomosis? Okay, so bowel anastomosis can be done. This is a good question. Bowel anastomosis can be done with hand, with sutures. जो conventional हम करते आए हैं, जो टांके लगाए जाते हैं, anastomosis दोनों ends को करीब लाके आप उनको जोड़ दें। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने आपको स्टेपलर्स दिए हैं, और स्टेपलर्स से आप टाइम बचा सकते हैं और एनास्टोमोसिस उतना ही सिक्योर कर सकते हैं। बट ये फैसला करना होगा कि क्या पेशेंट का जो इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा एडिमेटस तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा एडिमा है और डिस्टेंडेड बाउल था, ऑब्स्ट्रक्शन में ट्यूमर आया हुआ है, तो उसमें एनास्टोमोसिस करते वक्त
आपको स्टेपलर यूज करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होती है कि कहीं खुदा ना खास्ता स्टेपल का साइज छोटा पड़ गया तो लीक ना कर जाए। इसमें हैंड सोन एनास्टोमोसिस ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा अच्छा समझा जाता है, इट्स अ सेफर थिंग टू डू। और अगर आप उस वक्त भी उसमें भी कंफर्टेबल ना हो तो यू कैन सेफली गिव अ टेम्पररी स्ट्रोमा, जिसको आप बाद में आके अच्छे दिनों में जब एडिमा कम हो जाए, जब पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा हो जाए, जब ट्यूमर का जो डिजीज प्रोसेस है वो बर्डन कम हो जाए, तो बाद में आके उस स्ट्रोमा को आप रिवर्स कर सकते हैं। तो एनास्टोमोसिस कैन बी डन हैंड सोन, एनास्टोमोसिस कैन बी डन स्टेपल, एंड एनास्टोमोसिस कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग अ स्ट्रोमा टेम्पररीली एंड देन यू कम बैक एंड डू इट आफ्टरवर्ड्स। सो आई वुड बी मोर कंफर्टेबल डूइंग अ हैंड सोन इन अ केस वेयर देयर इज अ डाउट कि ये एनास्टोमोसिस कहीं लीक तो नहीं करेगा। लेकिन अगर बाउल में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई एडिमा नहीं है, तो स्टेपल्ड एनास्टोमोसिस, स्टेपल्ड एनास्टोमोसिस आप ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं रेक्टम में। तो नीचे रेक्टम में स्टेपल करने वाला डिवाइस है वो अलग तरह का डिवाइस होता है, आप उसको स्टेबल करने के लिए एनल एनल ओपनिंग से अंदर इंसर्ट करते हैं और एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हैं, उसको एंडो एनल एनास्टोमोसिस कहते हैं उसको। ठीक है, सो ट्यूमर, सो डिजीज, बाउल को रिसेक्ट करने के लिए भी आपके पास स्टेपलर्स हैं, बाउल को ज्वाइन करने के लिए भी आपके पास स्टेपलर्स हैं, यू हैव अ गुड टेक्नोलॉजी अवेलेबल। If you do a colonoscopy, how will the patient develop fecal continence? I don't know, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप कोलोनोस्कोपी कहना चाहते हैं या कोलोस्टमी कहना चाहते हैं। कोलोनोस्टमी कुछ नहीं होता, आप मेरा ख्याल है कोलोस्टमी की बात करते हैं। तो जब कोलोस्टमी बनाएंगे तो फीकल मैटर तो नीचे नहीं जाएगा, तो फीकल इनकॉन्टिनेंस का या कॉन्टिनेंस का सवाल नहीं होता पहला। ये अगर तो आपको कोलोस्टमी रिवर्स करनी है या आप ज्वाइन कर देते हैं, तो देन इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको पता हो कि पेशेंट की कॉन्टिनेंस कैसी रहेगी। इफ यू समटाइम्स गो डीप डाउन, बहुत नीचे जाके और एनास्टोमोस करते हैं, तो उसमें आपके स्फिंक्टर मसल डेवलप डैमेज हो सकते हैं, कॉन्टिनेंस का मसला आ सकता है। प्लस ये कि इफ यू डू सम नर्व डैमेज इनएडवर्टेंटली, जिसमें फीकल मस जो स्फिंक्टर मसल्स हैं उनका नर्व सप्लाई डैमेज हो, तो इनकॉन्टिनेंस का मसला आ सकता है। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट क्लियर प्लीज री राइट इट एंड आंसर, ट्राई टू आंसर एंड एक्सप्लेन टू यू। जो पेशेंट को बहुत नीचे ट्यूमर होते हैं, उन ट्यूमर्स को निकाल के आप परमानेंट कोलोस्टमी दे देते हैं और उसमें कॉन्टिनेंस का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, कोलोस्टमी इटसेल्फ अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या वो कॉन्टिनेंट होगी या इनकॉन्टिनेंट होगी, तो कोलोस्टमी तो कॉन्टिनेंट नहीं होगी। कोलोस्टमी में एज एंड व्हेन स्टूल कम्स इन द बैग, इट विल डायरेक्टली पास ऑन फ्रॉम द बॉडी एंड विल बी कलेक्टेड इन द बैग, जो कि हम अटैच करते हैं, जिसको हम कोलोस्टमी बैग कहते हैं। तो उसमें कोई कॉन्टिनेंट्स का मामला नहीं होगा, वो दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। पेशेंट कैन फील कि मेरा बैग भर गया है, वो जाके वॉशरूम में अपने आप को साफ कर सकता है, खाली कर सकता है। कॉन्टिनेंट आइलोस्टोमी, कॉन्टिनेंट कोलोस्टोमी का एक कंसेप्ट बना था, जिसमें कि वो इस तरह टेलर करते हैं कि पेशेंट को एक ट्यूब डालनी पड़ती है, दैट इज मोर फॉर अ स्मॉल बाउल, जिसमें कि लिक्विड स्टूल होता है, और लिक्विड स्टूल के लिए आप एक छोटे होल के साथ उसको बैग लगा के रखें, उसमें डायरेक्टली वो नहीं आएगा, लेकिन आपको एक जैसे फोलीस कैथेटर या एक ट्यूब है वो डालते हैं उस छोटे से होल में, वो जैसे ही डालते हैं उस ट्यूब के थ्रू आपका स्मॉल बाउल उसमें खाली हो जाता है। वो कॉन्टिनेंट आइलोस्टोमी का एक कंसेप्ट था बीच में, बट नॉट रियली इन अ रूटीन प्रैक्टिस। स्टोमा तो है, तो एंड इट्स अ गुड क्वालिटी वेफर्स अवेलेबल, इसमें ना स्मेल होती है ना कोई लीकेज का मामला होता है। इफ यू कैन लर्न हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट, तो अ नॉर्मल लाइफ इज पॉसिबल विद अ कोलोस्टोमी और विद एन आइलोस्टोमी, एंड यू कैन इवन बी सोशली एक्टिव, आप तकरीबात में जाएं, कोई ना स्मेल आती है ना कुछ आता है, तो बट यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज दैट। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। देयर इज एनी अदर क्वेश्चन? सर इफ यू डू कोलोनोस्टोमी, ओके सर, गॉट इट, थैंक्स। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक आई हैव 3-4 मिनट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अच्छा, फिर हमने थोड़ा सा स्किप किया, शायद ओवरलुक किया, कि जो प्रेजेंटेशन में जो अक्यूट प्रेजेंटेशन है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट आते हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्यूमर से। आपको ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना होता है, और उस वक्त आपको मोर
मोर सो ऑफन आपको वो करना होता है, स्टोमा बनाना होता है, क्योंकि इतना डायलेटेड बाउल होगा तो आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वो लीक हो सकता है, वरना स्टोमा से लीक करता है तो पेशेंट फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो बचे, उनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। फिकल पेरिटोनाइटिस यानी फीसिस अगर डाउन में रोम कर रहे हो तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना खराब मामला हो सकता है। सो इन ऑब्स्ट्रक्शन इन इमरजेंसी यू सेफली गिव एन एस्टोमा, यू कम बैक व्हेन द पेशेंट इज बेटर, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो गई, फिर आप बेहतर ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी कर सकते हैं। और इस तरह से कोलोरेक्टल कैंसर में, कोलोनिक कैंसर में खास करके एक रोल है एस्टोमा, ओनली एस्टोमा, रिसेक्शन विद एस्टोमा एंड रिसेक्शन ज्वाइन एंड कवरिंग एस्टोमा, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन में। और इलेक्टिव सर्जरी में जब आप रेक्टम की बात करते हैं तो उसमें भी कभी आप ऐसा करते हैं कि यू ज्वाइन फॉर एग्जाम्पल द कोलन टू द रेक्टम इन केस ऑफ एंटीरियर रिसेक्शन, बट सिंस इट इज अ टेक्निकली डिफिकल्ट एरिया वेयर यू आर डूइंग एन एस्टोमोसिस, तो आप कवरिंग आलियोस्टोमी दे सकते हैं ताकि जब तक वो हीलिंग हो जाए वहां से फीकल मैटर को आप डाइवर्ट कर दें। सो कवरिंग आलियोस्टोमी आफ्टर एन एंटीरियर रिसेक्शन इज अ रूटीन प्रैक्टिस, एंड इन फैक्ट दिस इज अ रूटीन प्रैक्टिस इन 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 वेल डेवलप्ड सेंटर्स इन यूके एंड अमेरिका एज वेल, क्योंकि आप चाहते हैं कि एनास्टोमोसिस आपका लीक ना हो और वो बहुत लो डाउन होता है तो इसलिए उसको कवरिंग आलियोस्टोमी देने में कोई हर्ज नहीं। यू कैन कम बैक आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड देन रिवर्स द आलियोस्टोमी इनटू make a normal physiological passage active. So I think it's time to say goodbye to you. Thank you so much for your attention. I hope you learned a little bit about colonic cancer, the surgical management. You can feel free, probably you'll have my email. If not, you can have one from, thank you so much. You can have one from the people who have given you this ID, and you can communicate regarding this topic anytime, no issues. I wish you safe recovery from this pandemic and coming back to college and having more opportunities to learn on live patients and operation theaters and clinical postings, because that is definitely superior to the online teaching and training. Thank you so much.